भारत कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी सांसद के खिलाफ नाबालिग महिला पहलवान ने अपने केस को वापस ले लिया है। सूत्रों के अनुसार 2 जून को नाबालिग महिला पहलवान ने पटियाला हाउस कोर्ट जाकर केस वापस लिया। इस दौरान उसके पिता और दादा भी मौजूद। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवान पिछले 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। नाबालिग पहलवान ने दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज कराया था। यह केस पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग महिला पहलवान ने 2 दिन पहले ही पटियाला हाउस कोर्ट में अपना केस वापस लिया। उधर ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने रविवार को घोषणा की कि पहलवान जल्द ही अपनी सुखद एक महापंचायत करेंगे। हरियाणा में सोनीपत जिले में मुंडला में पहलवानों के समर्थन में सर्व समाज समर्थन पंचायत को संबोधित करते हुए पुनिया ने वक्ताओं से किसी भी निर्णय की घोषणा नहीं करने का अनुरोध करते हुए कहा कि अगले 3-4 दिन में पहलवान महापंचायत बुलाएंगे। उन्होंने कहा, हम महापंचायत करेंगे और उसके लिए आह्वान करेंगे, हम जगह तय करेंगे, हम उस पंचायत के लिए सबको साथ लाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम बटे। बृजभूषण शरण सिंह पर एक नाबालिग सहित कई पहलवान महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप भी।